हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 कंप्यूटर कॉम्पोनेंट्स में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर वन, राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सीपीयू। इस सीपीयू के पार्ट्स के नाम बताओ। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, इस सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन होती है वो सारी सीपीयू के अंदर होती है। तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के तीन भाग होते हैं। नंबर वन, कंट्रोल यूनिट, इसको सीयू भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ये कंप्यूटर में इसके नर्व सिस्टम का काम करता है। नंबर टू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मीन्स ALU। कंप्यूटर के अंदर जितने भी मैथमेटिकल या लॉजिकल काम होते हैं वो सारे ALU में होते हैं। नंबर तीन, MU, मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, हदायतें स्टोर होती है, वो MU मीन्स की मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर होती है। नंबर टू, वट आर दी टाइप्स ऑफ मेमोरीज, की मेमोरीज कितने तरह की होती हैं। तो मेमोरी के बारे में बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर के अंदर जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो मेमोरी में स्टोर होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, की मेमोरी दो तरह की होती है। नंबर वन, प्राइमरी मेमोरी, इसको इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये मेमोरी सीपीयू के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, रैम एंड रोम। नंबर टू, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। इसको आसानी से लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। इसमें हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क आदि आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। इसको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। दीज स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डाटा परमानेंटली। इनके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। सीपीयू कैन नॉट एक्सेस दिस मेमोरी डायरेक्टली। सीपीयू इस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जाम्पल है, जिनको आसानी से कंप्यूटर में लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। पर जो हार्ड डिस्क है वो परमानेंटली कंप्यूटर में अटैच होती है, जबकि CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और फ्लॉपी को आसानी से लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ALU? ALU का क्या काम है? इट स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ CPU, जिस CPU का एक भाग है। इट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिक रिलेटेड टास्क। जो ALU है ये सारे मैथमेटिकल और लॉजिक रिलेटेड काम करता है। मैथमेटिकल मतलब कि आपने नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करने हैं, और लॉजिक रिलेटेड मतलब जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर, कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर या PC। इन दिस CPU इज यूज्ड, इसका CPU यूज होता है। माइक्रो कंप्यूटर आर यूज्ड एट होम, स्कूल्स और ऑफिसेस। इनका प्रयोग घरों में, स्कूलों में और दफ्तरों में किया जाता है। दीज कंप्यूटर आर लेस कॉस्टली, ये सस्ते होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर। जैसे आपको पिक्चर नजर आ रही है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जैसे हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब में, और लैपटॉप कंप्यूटर जिसको हम आसानी से पोर्ट कर सकते हैं और अपनी लैब में रख के, गोदी में रख के आसानी से चला सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की अलग अलग कैटेगरीज कौन सी हैं? देर आर फोर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। नंबर वन, माइक्रो कंप्यूटर। पहले भी बताया कि माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसके अंदर CPU लगा होता है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसका प्रयोग घरों में, ऑफिस में और स्कूल में होता है। नंबर टू, मिनी कंप्यूटर। इनकी पिक्चर भी आपको नीचे नजर आ रही है। जो मिनी कंप्यूटर है, इनका प्रयोग
मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन बहुत बड़ी कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। 1950 से लेकर 1970 तक इसका प्रयोग होता था, आजकल इसका प्रयोग नहीं होता। नंबर थ्री, मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इनका प्रयोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इन्वेंट्री कंट्रोल आदि ट्रांजेक्शन्स के लिए किया जाता है। जैसे बहुत ज्यादा स्टॉक स्टोर करना है, उसको मेंटेन करना है, उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। नंबर चार, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के लिए या प्रडिक्शन के लिए यूज होता है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए। आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्राइमरी मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। इट इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। की प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली असेस्ड बाय सीपीयू। की प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली असेस कर सकता है, जहां सीपीयू प्राइमरी मेमोरी के लिए डायरेक्टली असेसिबल है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट प्राइमरी मेमोरी। हमारा कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के काम नहीं कर सकता। ये दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। तो पहले बात करते हैं रैम की। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इन दिस मेमोरी वी कैन रीड एज वेल एज चेंज द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी। कि रैम के अंदर मेमोरी के कंटेंट्स को पढ़ भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। नंबर टू, रोम। इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इन दिस मेमोरी वी कैन ओनली रीड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी। इस मेमोरी में हम मेमोरी का कंटेंट सिर्फ पढ़ सकते हैं बट उनको बदल नहीं सकते। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर काम कैसे करता है, एक्सप्लेन ईच टर्म इन डिटेल। कंप्यूटर वर्क्स इन थ्री स्टेप्स। नंबर वन, इनपुट। दिस पार्ट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर हमारा जो कंप्यूटर है वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है। मींस जब हम कंप्यूटर को कीबोर्ड या माउस की मदद से कुछ भी डाटा देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसको इनपुट कहा जाता है। नंबर टू, प्रोसेसिंग। दिस पार्ट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन डाटा रिसीव फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस से जो भी डाटा कंप्यूटर रिसीव करता है उसके ऊपर जो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को जब भी हम कोई डाटा देते हैं वो किसके पास जाता है, सीपीयू के पास। तो सीपीयू का काम क्या है, डाटा की प्रोसेसिंग करना ताकि हमें रिजल्ट मिल सके। थर्ड पॉइंट है आउटपुट। दिस पार्ट गिव्स रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। इस पार्ट का काम है हमें रिजल्ट देना। जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो उसके बाद जाती है सीपीयू के पास, सीपीयू की प्रोसेसिंग करती है और प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पे मॉनिटर पे हमें रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट को हम प्रिंटर की मदद से कागज पर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बारी फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।